नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से वंस अगेन आप सबका स्वागत करता हूं पोजिशनल ट्रेडिंग के इस लाइव वेबिनार में। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हो कि ये 8 हफ्ते की एक हमने सीरीज लॉन्च की हुई है जिसमें अलग अलग सेगमेंट पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले वेल्थ क्रिएशन पे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग वेल्थ क्रिएशन के रोड पे चल चुके हो। अगर आप लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में आ चुके हो, हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग का एक नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के काम का है, राइट? वेल्थ क्रिएशन अगर मैं करता हूं तो मैं इसको समझ पाऊंगा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में जो स्टॉक की मूवमेंट होती है वो मूवमेंट को समझने के लिए मुझे लॉन्ग टर्म में स्टॉक किस प्रकार से चलते हैं उस पे ध्यान रहना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बताया था कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी। वेल्थ क्रिएशन के राह पे मैं निकल चुका हूं, फिर अब मैं पोजिशनल ट्रेडिंग पे आगे बढ़ सकता हूं, राइट फ्रेंड्स? सो पोजिशनल ट्रेडिंग के 5 स्टेप हम क्या लेंगे। नंबर 1 थी, पोजिशनल ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है और क्यों है। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो लोगों ने ऑलरेडी वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर सम अदर मनी दिस ईयर ऑल्सो। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस साल भी पैसे कमाऊं, 3 साल में पैसे कमाऊं, आने वाले 5 साल 10 साल में पैसे कमाऊं, तो ये जो 10 साल के अंदर की जो पूरी टर्म है इसको हम कह सकते हैं दिस ऑल टर्म्स आर पोजिशनल ट्रेडिंग। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल लॉन्ग टर्म नहीं है दोस्तों। 10 साल से नीचे की कोई भी टर्म में अगर मैं सोचता हूं कि मुझे प्रॉफिट करना है, देन दैट इज कॉल्ड एज पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पोजिशनल ट्रेडिंग उन लोगों के काम का है जो लोग ये 10 साल में भी मुनाफा प्रॉफिट करना चाहते हैं, राइट? तो मैंने अपना स्टेप प्रॉफिट करने के लिए ऑलरेडी बढ़ा लिया है। नाउ मैं समझ चुका हूं कि ये वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के रास्ते पे निकलता हूं तो इस रास्ते पे वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली है। वेल्थ क्रिएशन का एक रास्ता हम लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इट्स डन, मेरा वेल्थ क्रिएट होने ही वाला है। नाउ मैंने कुछ फंड यहां पे डाइवर्ट किया हुआ है इस साल प्रॉफिट करने के लिए, ये चीज की क्लियरिटी होनी जरूरी है, राइट? सो 100% मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग में मैं पैसे बनाने वाला हूं आने वाले समय में, बट नॉट वेल्थ। इट्स क्लियर? सो फर्स्ट थिंग वॉज, मैंने जाना कि ये किसके लिए है, राइट? नाउ सेकंड थिंग फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग इज नेगेटिव थिंग और ड्रॉबैक। दोस्तों, मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मुझे ये नेगेटिव पॉइंट या ड्रॉबैक भी जानने जरूरी है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पोजिशनल ट्रेडिंग? फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स जो है वो लंबे समय में एक बड़ी मूवमेंट देते हैं, अपसाइड और इवन डाउनसाइड। जो पोजिशनल ट्रेडिंग जो भी लोग करते हैं, बड़ा ड्रॉबैक है इसका। जो लोग स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं उनको भारी नुकसान पोजिशनल ट्रेडिंग में भी होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक्स आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन ये जो आपके जो सारे शेयर है, ये जितने भी आज के जो भी अच्छे शेयर है, जो भी 10 रुपये से आज 1000 रुपया भी क्यों ना आया हो, 10000 रुपया भी क्यों ना आया हो, पर ये सारे शेयर सीधी लाइन में नहीं बढ़े हैं। ये सारे शेयर चले हैं, टूटे हैं, चले हैं, टूटे हैं, चले हैं, टूटे हैं। हमें लगता है कि मेरा शेयर सीधा जाएगा, आपका शेयर कभी सीधा नहीं जाएगा। आपका शेयर चलने भी वाला है तो टूटने भी वाला है। पर नुकसान पोजिशनल ट्रेडिंग में भारी कौन लोग करते हैं? जो लोग ये साइकिल को नहीं समझते हैं, जिन्हें ये लगता है कि मेरे पास तो दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है, ये कभी टूटने ही नहीं वाली है, तो क्यों ना मैं ये ट्रेडिंग के लिए भी ज्यादा लूं। दोस्तों, हर एक कंपनी का नंबर लगता है, हर कंपनी टूटती है,
कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कंसिस्टेंटली चल 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 करती है, राइट फ्रेंड्स। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा जानना यह जरूरी है कि मुझे इस मूवमेंट को समझना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है कि भी मैं मुनाफे के लिए एंट्री ले रहा हूं, मैंने इसको कहीं यहीं पे खरीदा और फिर ये मेरा शेयर 50% टूट गया, आधा हो गया, 80% टूट गया, तो मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये ड्रॉबैक को ध्यान में रख के मैं एक फिक्स स्टॉप लॉस रख के यहां से आगे बढ़ता हूं, मैं मेरे रिस्क को फिक्स कर देता हूं, राइट। इन पोजिशनल ट्रेडिंग माय रिस्क शुड बी फिक्स, मेरा रिस्क मैंने फिक्स कर दिया है। प्रॉफिट शुड बी अनलिमिटेड, प्रॉफिट मुनाफा मुझे कितना भी गुना हो सकता है पर मेरा रिस्क फिक्स होना चाहिए। अगर मैं अपने रिस्क को फिक्स करता हूं तो ड्रॉबैक पोजिशनल ट्रेडिंग के नहीं है, क्योंकि सीधी बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो शेयर सब अच्छे चलने वाले हैं, पर उनकी ये मूवमेंट जो होती है इसका फायदा उठाने के लिए मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, राइट। क्योंकि अभी ये घट रहा है, मुझे ये घटाने में लेने दो ताकि वापस रैली आने वाली है उसका मैं फायदा उठा सकूं। तो पोजिशनल ट्रेडर वो लोग होते हैं जो इन साइकिल के फायदे उठाने के लिए एंटर होते हैं, पर ये फायदा उठाते उठाते मेरा शेयर बहुत ज्यादा ना गिरे इसके लिए मुझे फिक्स करना पड़ेगा अपना रिस्क। एक बार मैंने अपने रिस्क को फिक्स कर दिया फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनल ट्रेडर जो भी लोग होंगे यहां पे? ओके, यस, इट्स हियर। ये जो बड़ा ड्रॉबैक था, ये ड्रॉबैक इसलिए था क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा शेयर कभी इतना नहीं गिरेगा, पर शेयर तो जब गिरने लगते 50% फॉल इज अ नॉर्मल फॉल, राइट। तो इतने फॉल आएंगे तो पोजिशनल ट्रेडिंग में मेरा पैसा तो बहुत नीचे आ जाएगा, राइट। तो मुझे एक मैं 50% का एक फिक्स स्टॉप लॉस लेके आगे चलता हूं, यानी मैंने 1,00,000 रुपया पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लगाया है, मैंने 10,00,000 रुपया पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लगाया है, जो आपकी अमाउंट हो। ये जो अमाउंट है रिस्क मेरा 15% ही मैं ले रहा हूं, यानी यहां पे मुझे जो मैंने सोचा था ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है, तो भी मेरा पैसा सिर्फ 15% माइनस होना चाहिए। अगर मैं 15% का स्टॉप लॉस रखता हूं तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पे हमने 15% का रिस्क लिया तो इतना तय है कि मेरा पैसा 85,000 से कम नहीं होने वाला। मैक्सिमम रिस्क इज 15%, कमाएंगे कितना वो भी हम आगे देखेंगे, पर रिस्क हमने फिक्स कर दिया है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वॉज स्टेप टू टू फिक्स द रिस्क, राइट फ्रेंड्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर थिंग, देख लेने दो मेरे को, भूल तो नहीं गया मैं कोई पॉइंट, ओके। स्टेप थ्री और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द पोजिशनल ट्रेडिंग। इसको मैं समझू कैसे, कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग को मैं पूरी तरह से अपने दिमाग में उतारू, उसके लिए मुझे स्टॉक की चाल को समझना पड़ेगा। स्टॉक चलते कैसे हैं, स्टॉक टूटते कैसे है, किस किस प्रकार के स्टॉक कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से चलते या गिरते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रेंड्स। जो स्टॉक आपके जो होते हैं, कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो कंसिस्टेंटली 1-2-3 साल तक रैली करते हैं। ये स्टॉक 100-100 रुपए से 1,000-1,000 रुपया आ जाते हैं, 10 गुना रैली, 5 गुनी रैली, 15 गुनी रैली, ये 3-3 साल में कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब इतनी बढ़िया रैली करते हैं तब सबके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छा शेयर है, ये जिंदगी में कभी नहीं गिरने वाला है, पर ऐसा नहीं होता है। हर जो शेयर जो चलता है उसके गिरने के भी समय आते हैं, राइट। ये शेयर इतना चलता क्यों है? क्योंकि वो शेयर के इंडस्ट्री में हाई डिमांड होती है, डिमांड की वजह से इनके रेवेन्यू हाई ग्रोथ पे होते हैं,
20% 30% इन कंपनियों के धंधे बढ़ते हैं। जब कंपनी के धंधे 20-30% से बढ़ते हैं ड्यू टू देयर इंडस्ट्रीज, इन कंपनियों के प्रॉफिट 25% 40% से बढ़ रहे होते हैं। ये जिंदगी भर ऐसा नहीं बढ़ सकता है, पर जब इन कंपनियों के प्रॉफिट्स इस तेजी से बढ़ रहे होते हैं, ये वो समय होता है जब हम जबरदस्त रैली इन शेयर्स में देखते हैं, राइट। लेकिन जिंदगी भर ये 40% का प्रॉफिट मेंटेन नहीं रहेगा। धंधा हो सकता है उनका कंसिस्टेंटली बढ़ता जाए, पर रॉ मटेरियल्स की जो साइकिल होती है, खर्चे की जो साइकिल होती है, वो साइकिल में चलती, कंटिन्यू नहीं चलते। जैसे रबर के दाम साइकिल में चलते हैं, जो ऑटो इंडस्ट्री को, टायर इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। क्रूड के दाम साइकिल में चलते हैं, जो ऑयल रिलेटेड कंपनी को इंपैक्ट करते हैं। कॉटन के दाम साइकिल में चलते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंपैक्ट करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये साइकिल की वजह से डिमांडिंग इंडस्ट्री की कंपनियों की भी प्रॉफिट कुछ समय गिरते हैं। दोस्तों धंधा कंसिस्टेंटली आ रहा है, पर फिर भी प्रॉफिट गिरने की वजह से इन कंपनियों में एक टेम्पररी फॉल आता है। ये फॉल टेम्पररी है कि परमानेंट है, ये हम कैसे जान सकते हैं? अगर आप लोगों ने फंडामेंटल स्टडी किया है तो आप लोग जान लो, धंधा बढ़ता जा रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर धंधे बढ़ रहे हैं फिर भी प्रॉफिट गिरे, तो वो कुछ साइकल्स की वजह से है। प्रॉफिट घटेगा उनका, राइट, डिमांड बरकरार है। ऐसी इंडस्ट्री में उनके जो स्टॉक होते हैं वहां पे एक टेम्पररी फॉल आता है। तो पोजिशनल ट्रेडर लोग ये समझे कि रैली जबरदस्त हुई थी, अब जो फॉल आएगा ये कुछ समय तक चलेगा। मुझे याद है एक बड़ौदा के बाजू का एक शहर है डबोई, मैं कुछ समय पहले वहां पे, जैसे वहां के लोगों ने एक मीटिंग रखा था, तो हम लोग वहां पे चर्चा कर रहे थे स्टॉक की। एक मैं दोस्त से मिला जिनको आमरा राजा बैटरी पे बहुत भरोसा था, उनका उनके फैन थे। अब सीधी सी बात थी, आमरा राजा बैटरी ऑलरेडी 15 गुना उस समय, ये मैं 2014 की रैली की बात कर रहा हूं, चल चुका था। तो ऑब्वियस ऐसे स्टॉक सबके फेवरेट होते हैं, तो उनको भी ऐसा था कि ये स्टॉक जबरदस्त है और ये जिंदगी भर चलेगा, राइट। उन्होंने मेरी राय पूछी। अब मेरे खुद के पास भी आमरा राजा बैटरी थे, पर मेरी राय क्या थी उस समय कि ये बहुत अच्छी कंपनी है पर अभी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज चलती है कुछ समय उसमें करेक्शन आता है, राइट। पर उनको ऐसा लग रहा था उस समय कि नहीं, करेक्शन नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, कितनी बढ़िया कंपनी है बैटरी की, राइट। हर समय हम लॉजिक से नहीं समझा सकते दोस्तों। फिर क्या हुआ, ये 3 साल से आमरा राजा बैटरी करेक्शन मोड में है, राइट। करेक्शन मोड हम क्यों कह सकते हैं, ये चलते फास्ट है, 2-3 साल में 15 गुना हो जाते हैं, टूटते स्लो है, इस चीज को ध्यान में समझिएगा, चलते फास्ट है, कम समय में हाई रैली करते हैं। जब टूटने की बारी आती है तो ये लंबा समय लेते हैं, यानी लंबे समय तक ये टूटते हैं, पर टूटने में जितना चले थे उतना नहीं टूटते हैं। व्हाई? बिकॉज डिमांड इज देयर इन देयर इंडस्ट्री, प्रॉफिट्स आर डाउन ड्यू टू साइक्लिक रीजन। ये मैं वो स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो कुछ इस प्रकार से करेक्ट होते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ करेक्शन। पोजिशनल ट्रेडर को स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ करेक्शन वाले स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, जो स्टॉक चलते फास्ट है, टूटते स्लो है। ये कैसी साइकिल में आते हैं, ये टूटे ये वापस यहां से चलते हैं। पर याद रखना, एक बार जब करेक्शन स्टार्ट होता है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। हमें लगता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी नहीं होता है खत्म। ये स्टॉक वापस जहां से टूटे, यानी वहां तक करेक्ट, वहां तक रिट्रेस होते, अगेन ये टूटते हैं। कहां तक टूटते हैं? अगेन यहां तक टूटते हैं, राइट। कई स्टॉक दोस्तों इस प्रकार के एग्जांपल में आएंगे। अभी अल्ट्राटेक था, अल्ट्राटेक कुछ इसी तरह से करेक्ट हो रहा था। श्री सीमेंट था, कुछ इसी प्रकार से था। HDFC था, कुछ इसी प्रकार से था। बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग, दे आर इन राइट नाउ इन दिस इकोनॉमी, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये सारे जो स्टॉक होते हैं इनमें ध्यान रखा जाना चाहिए, और ये जगह पे मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लेना चाहिए,
मुझे इतने बाउंस मिल सकते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 30 से 50 से 100% के भी होते हैं। जैसे SBI 150 रुपए से लेके 300 तक की ये रेंज में बरसों से चलता जा रहा है। जैसे REC कुछ परफेक्ट मुझे भी याद नहीं है, 75 से 200 की रेंज में यूं ही इसी प्रकार से बरसों से चला आ रहा है। तो ये रेंज समझने के लिए थोड़ा चार्ट का अभ्यास करना पड़ेगा आपको, राइट। चार्ट सीखेंगे तो आप पकड़ पाओगे कौन से स्टॉक है जो इस प्रकार के W बना रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? W। क्योंकि एक बार ये करेक्शन खत्म हो जाएगा फिर ये शेयर अगेन एक नई रफ्तार पे चलेंगे और यहां से वापस 2-3 गुना हो जाएंगे, पर हम इनमें फंसेंगे नहीं। इनको कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ स्टॉक्स। पोजिशनल ट्रेडर कैन बाय ड्यूरिंग दिस टाइम, दे कैन बुक देयर प्रॉफिट और सेल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब याद रखें कि आप वेल्थ क्रिएटर नहीं हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए आपने अलग शेयर लिए हुए। आप यहां पे प्रॉफिट करना चाहते हो तो हम यहां लेंगे, यहां बेचेंगे, यहां लेंगे, यहां बेचेंगे, राइट। अगर कुछ उल्टा हो जाए, उल्टा हो भी सकता है, तो आप अपने शेयर को 15% का स्टॉप लॉस रख के बेचोगे। मैं मैक्सिमम रिस्क कितना लेता हूं? 15% इन एनी स्टॉक इन द केस ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। क्लियर है? ये थे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ स्टॉक जिनको हम ए स्टॉक कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि इनके धंधे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कुछ समय के लिए स्थगित है, कम हुआ है। धंधे 20% से बढ़ते थे, प्रॉफिट 40% से बढ़ते थे, अब इनके प्रॉफिट 15-20% से बढ़ रहे हैं। बुरे नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आऊंगा दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ स्टॉक को जरा समझने के लिए। हमने पहला स्टॉक समझा जहां पे हम जरूर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते थे। सेकंड टाइप ऑफ जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिनके प्रॉफिट बहुत टूटते हैं। ये इंडस्ट्री डिमांडिंग नहीं होती है, तो डिमांडिंग नहीं होने के कारण इनके रेवेन्यू बढ़ रहे होते हैं पर हाई ग्रोइंग नहीं। 20-30% से इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। इसी वजह से जब भी खराबी कभी आती है इकोनॉमी में या उनके सेक्टर में, तो इनके प्रॉफिट 0% हो जाते हैं, इनके प्रॉफिट -20% भी हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, धंधा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट में वापस यूटर्न आएगा, पर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर के कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे थे, इनके प्रॉफिट घट रहे हैं। तो सीधी बात है, भाव पे इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट से ज्यादा आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? फर्ज कीजिए आपने सीमेंट इंडस्ट्री ली हुई है, स्ट्रॉन्गेस्ट है अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और भी कई हैं। कुछ सेकंड कैटेगरी के स्टॉक होते हैं जो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, राइट, अल्ट्राटेक या श्री जैसे नहीं। तो अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट अभी 10-15% के ग्रोथ पे है, लेकिन कुछ स्टॉक होंगे जो अभी भी -20% पे होंगे, राइट। अब उनकी इंडस्ट्री के धंधे बढ़ रहे पर इनका हाल बुरा होगा, पर ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर नहीं है। लेकिन यहां पे होता क्या है, ये भी जब रैली का समय था जबरदस्त चल रहे थे, ये स्टॉक भी 5-5 गुना होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 5 गुना कुछ स्टॉक हुआ यानी वो वेल्थ क्रिएटर है। वेल्थ क्रिएटर 100 में से 2-3 होते हैं, यस, पर ये स्टॉक भी अच्छे है, यहां पे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, राइट। ये स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, इनकी रैली आई होती है जबरदस्त, ये भी 3-3 साल में 5-5, 10-10 गुना हो गए हैं, राइट, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री तो अच्छी थी, ये भी प्रॉफिट अच्छा कर रहे थे, पर इनके मार्जिन कम होते हैं, इनपे डेप्ट होती है, तो जब जब धंधे पे इफेक्ट आती है प्रॉफिट ज्यादा गिरते हैं। होता क्या है, ये गिरते, ध्यान से सुनना, ये गिरते फास्ट है, जब चलने की बारी आती है तो ये धीमे धीमे टीबी पेशेंट की तरह चलते हैं, बहुत धीमे धीमे चलते हैं, ये पूरा रिकवर नहीं कर पाते हैं। पूरी रिकवरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक ने यहां तक की थी, ये स्टॉक 60% तक रिकवर होते हैं खाली। इसका मतलब क्या है, यहां पे स्ट्रेंथ नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ये वापस इतना गिरेगा दोस्तों। ऐसे स्टॉक 60% एग्जैक्ट लिखूं तो 61% तक गिरते हैं, 61%।
गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल हम जिसको बोलते हैं, 61.8% तक जब ये स्टॉक गिरते हैं तो आधे से ज्यादा गिर गया। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता यहां पे तो मेरा क्या होता? इसलिए हम कहते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। अब यहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है, मैं 61.8% के लेवल पे पोजिशनल ट्रेडिंग खेल सकता हूं यहां पे, क्योंकि मुझे यहां से वापस यहां तक का एक बाउंस मिलेगा तो मुझे एक लंबी रेंज मिलेगी, राइट। कई स्टॉक है, जैसा हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक BEL 61% पे आ चुका था, अभी रिसेंट केस में कई स्टॉक ऐसे हैं जो टूट टूट के 61% रिट्रेसमेंट पे आ चुके थे। BOB हम 92 पे लेने को क्यों बोलते थे? बिकॉज दैट वाज 61.8%। SBI क्यों हमने आपको 150 पे कहा था? बिकॉज दैट वाज 61.8%। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थे, राइट, ये 61.8% पे आए हुए थे, यानी यहां से मैं यहां तक का बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा। जैसा SBI में देख लिया आपने 150 से 300 आ चुका है तो ये आपको प्रॉफिट मिलता है, राइट। लेकिन 61.8% के केस में भी 15% का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने बाय किया है ये सोच के कि ये यहां से डबल हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे लेने के बाद 15% डाउन हो जाता है आई विल बुक माई लॉस। क्यों? कुछ समय बाद बात करेंगे। लेकिन ये सेकंड टाइप ऑफ स्टॉक है, मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक देखे, सेकंड टाइप ऑफ स्टॉक देखे, एम आई राइट? समझ में आ गया यहां तक? दूसरों तीसरी एक इंडस्ट्री होती है, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये डेंजर है दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है जिनके धंधे नहीं चलते, इनके धंधे एकदम म्यूटेड है, 0% ग्रोथ है इंडस्ट्री में। तो दोस्तों अच्छी जो कंपनियां होती है उनके भी प्रॉफिट बहुत अच्छे नहीं बढ़ रहे होते, बुरी कंपनियों का क्या हाल होगा ऐसी इंडस्ट्री में? ये चलते स्लो है, इनको जब मार पड़ने का समय आता है, फॉलिंग टाइम, ये बहुत ही फास्ट टूटते हैं, और जहां से इन्होंने रैली की शुरुआत की होती है ये इससे भी नीचे चले जाते हैं। इसीलिए जब वापस चलने की बारी आती है तब वो लिमिटेड यहां तक ही चलते हैं। मैं इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाऊंगा, अगर मैंने मेरा स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो मेरा क्या हाल होगा? ये वही शेयर है जो 1,500 से 150 रुपया आ जाते हैं, जो 50 रुपये से 5 रुपया 50 पैसा आ जाते हैं, इनको जेड टाइप ऑफ स्टॉक कहते हैं दोस्तों। दिस आर डेंजरस स्टॉक। ये क्यों जेड है? क्योंकि ये लॉस मेकिंग है, इन्होंने बरसों से प्रॉफिट देखा ही नहीं है, दे आर कंसिस्टेंटली डीग्रोइंग। व्हाई? बिकॉज देयर इंडस्ट्री इज डीग्रोइंग। ऐसे स्टॉक अच्छी इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे स्टॉक वो होंगे जिन्होंने कभी प्रॉफिट नहीं किया है, राइट फ्रेंड्स। तो ये स्टॉक से दूर रही आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए मैंने जाना पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, मैंने ये जाना कि मैं कौन से स्टॉक में काम करूं। मैंने एक स्टॉक का लिस्ट बना दिया, कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक है, चलो इनमें मैं ये W पे काम करता हूं या मैं फॉल के दरमियान 61.8% पे काम करता हूं। दो लेवल अच्छे हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडर कैन मेक प्रॉफिट इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स, राइट फ्रेंड्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने पहचाने कुछ स्टॉक्स पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे थे। हम लोग एक आपको एक शीट प्रोवाइड करते हैं, यह भी आप लोगों ने तो सीखी हुई है बहुत लोगों ने। देखिए यहां पे मैं ये शीट इसलिए कह रहा हूं कि आप कॉल कहां से लेते हो। फर्ज कीजिए आपने CNBC से कॉल लिया, आपने TV18 से कॉल लिया, कहीं से भी काम करो, दोस्त ने बताया कुछ भी करो, पर स्टॉप लॉस मेंटेन। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे, वॉरेन बुफे साहब का कॉल लोएंगे तो भी नुकसान होगा। स्टॉप लॉस इज नेसेसरी, राइट। हम लोग जैसे आपको एक 32% की शीट देते हैं, यहां पे मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं 32% पोटेंशियल शीट का, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ट्रेडिंग के कॉलम, पोजिशनल ट्रेडिंग के कॉलम में ये शीट अपलोडेड है। दोस्तों ये शीट क्या है? एक नॉर्मल हमने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हुए जो हमें लगता है कि 32% जितना चलेंगे, राइट। अब मान लो मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई एक स्टॉक में मैं डालूंगा तो मेरा थोड़ा रिस्क रहेगा,
रिस्क क्या रहेगा कि इसका स्टॉप लॉस आ गया तो मेरा पैसा चला जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, आई विल डिवाइड बाय 20। मैंने लाख रुपया डाला है, 20 स्टॉक में डिवाइड किया, यानी 5000 रुपया मैं एक स्टॉक में डाल रहा हूं। 10 लाख रुपया अगर मैंने डाला है तो मैं 50000 रुपया एक स्टॉक में डालता हूं। नाउ मैंने मान लो 5000 रुपया एक स्टॉक में डाला, इस प्रकार से 20 अलग अलग स्टॉक में मेरा पैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मुझे पहले से ही ध्यान में रखना है व्हाट इज माय रिस्क इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ थिंग टू अंडरस्टैंड। मेरा रिस्क क्या है, मैं आपको कब से 15% कह रहा हूं ना, ये एक बनाया हुआ एक नॉर्मल परसेंटेज का लेवल है। हम 32% की शीट में आपको 12-15% के स्टॉप लॉस देते हैं। अब दोस्तों इतना तय है कि मैंने अगर लाख रुपया लगाया है, 20 अलग अलग स्टॉक में डिवाइड किया है और मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मेरे 200 के स्टॉप लॉस आ गए, सब में मैं 15% का लॉस कर रहा हूं, तो मेरा नुकसान कितना हुआ, 200 स्टॉक में मैंने 15% का नुकसान किया। यानी नेट आपने लाख लगाया, आपका लॉस है 15,000, 15,000 से ज्यादा लॉस आपको नहीं होने वाला है, मुझे नहीं होने वाला है अगर मैं करता हूं तो। मैंने देखा है दोस्तों, लोग पोजिशनल ट्रेडिंग में काम करते हैं, स्टॉप लॉस रखते नहीं है, कुछ स्टॉक 50% टूटते हैं, कुछ स्टॉक 80% टूटते हैं, 3-4 साल बाद उनको लगता है कि ये क्या हो गया। मेरे साथ भी दोस्तों यही होता था पहले, राइट, क्योंकि मैं स्टॉक लॉस मेंटेन नहीं करता था। मैं क्या सोचता था, चलना थोड़े पैसे डाल के डिलीवरी ले लेंगे। अब अगर हम पैसे डाल के डिलीवरी लेंगे और ये 50% आ गया तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जो रूल बनाए वो रूल पे चले, प्लान द गेम एंड देन प्ले एज पर प्लान। एक बार मैंने जो प्लानिंग किया है मुझे मेरे प्लानिंग पे चलना पड़ेगा। Am I right or wrong, my dear friends? दोस्तों majority of people do losses because they break their rules, friends. वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पीयूष यार, लॉस नहीं करना है, थोड़ा रहने देते हैं ना फिर चलेगा। हो सकता है कि आपके 10 में से 5 स्टॉक स्टॉप लॉस आने के बाद वापस बाउंस हो जाए, आपको दुख हो कि यार मैंने क्यों बेच दिया, देखा स्टॉप लॉस के बाद चल गया। लेकिन ये स्टॉप लॉस आपको मुनाफा करने के लिए नहीं है, बड़े नुकसान से बचाने के लिए है। आपने जो स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं किया, 80% डाउन आ गया, क्या करेंगे, अच्छे स्टॉक देखे हैं, कम से कम 61% टूटते हैं। एचडीएफसी बैंक कैसा है, अच्छा है ना, 2008 में कितना टूटा था दोस्तों, 60% to 80% फॉल इज नॉर्मल, राइट, दैट इज द रीजन नीड टू स्टे विथ 15%। यानी मेरा पक्का हो गया कि नुकसान से नुकसान में 15% करूंगा। हमारी 32% की सीट में जो हम स्टॉक दे रहे हैं उनका स्टॉप लॉस 12-15% होता है। मैंने 20 स्टॉक में डिवाइड कर दिया, नसीब जबरदस्त था मेरा, सबका स्टॉप लॉस आ गया तो भी मुझे नुकसान 15,000 हुआ, बिकॉज आई प्लेड एज पर प्लान, राइट। तो आपका रिस्क फिक्स है, कोई बहाना कोई एक्सक्यूज उस समय नहीं चलेगा कि मैं स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करूंगा, राइट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माय डिसिप्लिन्स, करेक्ट, रिस्क मेरा फिक्स। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिफ्थ थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट कितना लेंगे, राइट, मेरा रिस्क फिक्स है, प्रॉफिट मुझे अच्छा हो सकता है, अनलिमिटेड कितना हो सकता है। फर्ज कीजिए मैं मेरा 32% की शीट का एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 20% के स्टॉप लॉस, अभी बाजार जबरदस्त गिरा था, जस्ट 16 महीने से कंटिन्यू गिरा हुआ है, अभी भी स्मॉल कैप आधा है, स्मॉल कैप बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ है अभी भी, राइट, ये केस में भी 45% के स्टॉप लॉस आए हैं। यानी 20 में से 20 तो हो नहीं सकता है, फिर भी मान लो लेते हैं कि चलो 200 के स्टॉप लॉस आए तो भी मैं सेफ तो हूं, मेरा खाली 15% का लॉस हुआ है, राइट। अब कमाने की बारी आती है, 32% मैं ये मानता हूं 220 नहीं, मेरे 80% स्टॉक भी 32% चल जाते हैं, मुझे 25% प्रॉफिट तो हुआ कि नहीं एक साइकिल में, राइट, बाजार अच्छा होता है, मान लो दो साइकिल चल गई मेरी, 50% प्रॉफिट,
चार साइकिल 100% प्रॉफिट। ये कब पॉसिबल है? जब मैं मेरे रिस्क को फिक्स करता हूं। माय लॉस इज लिमिटेड फॉर 15%, माय प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड, इट कूड बी 25, 50, 100, 250। मुझे एक टारगेट रखना पड़ेगा और उसका हिसाब करना पड़ेगा। मुझे हर साल, मैं सोचता हूं कि मुझे इस साल प्रॉफिट करना ही है, अब मैं हर 15 दिन देखूंगा तो नहीं काम बनेगा, मुझे इस साल प्रॉफिट करना है। तो मैंने मेरे 20 स्टॉक में बांट दिए, फिर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट खाली मेंटेन करता हूं। चालू बाजार यानी लाइव मार्केट में पोजिशनल ट्रेडरों का कुछ काम नहीं है, जो होना हो होने दो। वैसे भी आपने 20 में डिवाइड किया हुआ है, एक आध शेयर आधा हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, आपने नहीं देखा हुआ, राइट? आपने दूसरे दिन बेचना है, यानी आज बाजार खत्म हो गया, मैंने देखा मेरा स्टॉप लॉस क्या है, आई सोल्ड इट। कर सकते हैं ये चीज दूसरे दिन, यानी आज का इफेक्ट दूसरे दिन आता है, राइट? अगर मैं इस प्रकार से चलता हूं, स्टॉप लॉस में शांति से मेंटेन करता हूं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, स्टेइंग वेरी वेरी काम, स्टॉप लॉसेस में भी मेरा टेंपर में नहीं खोता हूं, कंटिन्यू जब टारगेट आते हैं तब भी मैं मेरा टेंपर नहीं खोलता हूं। आई एम अ काम पर्सन, बिल्कुल शांत रह के मैं ये काम करता जाऊंगा, साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, मुझे मुनाफा कंसिस्टेंटली होता जाता है, और जब ऐसी खराबी आती है मेरा रिस्क उस समय फिक्स है। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते ये चीज? इट वॉज सिंपल और हार्ड, जो चीज मैंने आपको बताई ये मुश्किल है? आपको बताऊं, अभी जो आप लोग कर रहे हो ना, वो जबरदस्त मुश्किल है। कोई स्टॉप लॉस नहीं रखने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं, मुझे पता नहीं है ये वेल्थ क्रिएशन के लिए लिया है या ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है। आपके दोनों डीमेट अलग होने चाहिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए जो आपके स्टॉक है वो अलग डीमेट में, ट्रेडिंग के अलग डीमेट में, दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग वाले प्योर ट्रेडिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन वाले प्योर वेल्थ क्रिएशन के लिए। कैन आई डू दिस थिंग? अगर हम ये चीज करते हैं तो सक्सेस हमें मिलनी है, राइट फ्रेंड्स? दो चीजें मैं कहना चाहूंगा यहां पे, बैंड ऑफ द ट्रेंड इज माय फ्रेंड पोजिशनल ट्रेडरों के लिए, वेल्थ क्रिएटरों के लिए जब बाजार गिर रहा होता है दैट इज देयर गोल्डन टाइम। ये 16 महीना गोल्डन टाइम है वेल्थ क्रिएटरों के लिए, क्योंकि बाजार गिर रहा था, उनको कोई बैंड ऑफ द ट्रेंड, बैंड ऑफ द ट्रेंड नहीं देखना है, क्योंकि उनको तो गिरते बाजार में माल इकट्ठा करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। पर जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए बैंड ऑफ द ट्रेंड, ये बाजार से गिर रहा है, जो बैंड हुआ दैट इज देयर फ्रेंड, तो मुझे ध्यान रखना होगा बैंड ऑफ द ट्रेंड में। कर सकता हूं ये चीज, बैंड ऑफ द ट्रेंड, एंड सेकंड, स्ट्रिक्ट टू स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करेंगे। कर सकते हैं फ्रेंड्स? अगर ये दो चीज को हम ध्यान में रखते हैं तो सक्सेस हमारी है, राइट? मैं जाते जाते एक सिंपल चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो चीज मैंने बहुत से लॉस मेकर्स में देखी है और प्रॉफिट मेकर्स में वो चीज नहीं थी। दोस्तों, लॉस मेकर और प्रॉफिट मेकर में डिफरेंस ही यही है कि लॉस मेकर रॉन्गनेस से घबराते हैं। एक शब्द है रॉन्गनेस, मतलब मुझे डर लगता है कि मैं गलत हो गया। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको ये रॉन्गनेस से डर नहीं लगता है, उनको पता ही है कि वो कुछ बार गलत होने ही वाले हैं, पर मैं अपने आप को इंप्रूव करता जाऊंगा। उनको शर्म नहीं है अगर वो रॉन्ग भी हो गए तो। जो फेलियर लोग होते हैं दोस्तों, उनको शर्म आती है कि मैं गलत हो गया तो। जो फेलियर होते हैं उनको डर लगता है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है गलत नहीं करने का, गलत नहीं करने का, देख कैसी गलती हो गई, गलती करने की। अब्राहम लिंकन कितनी बार फेल हुए थे इलेक्शन में, कितने इलेक्शन आ रहे थे ना, पर फिर भी वो प्रेसिडेंट बने। कितने उदाहरण, लाइफ उदाहरण है जो फेलियर के बाद जबरदस्त सक्सेस हुए है, राइट? तो गलती से घबराए नहीं, आज से हम पोजिशनल ट्रेडिंग की राह पे चलते हैं, गलतियां होगी पर सफलता हमें जरूर मिलेगी, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।